हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंस अगेन आई एम आशुतोष विद द न्यू टॉपिक। आज हम लोग मैकेनिक्स में देखेंगे आगे एसआई प्रीफिक्सेज क्या है। प्रीफिक्स का मतलब आप जान रहे होंगे, पहले फिक्स होने वाले। तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे ये आज सीखेंगे। आप पिछले क्लास में यूनिट्स और डायमेंशन इन सब के बारे में सीख चुके हैं। तो देखिए, एक्चुअली फिजिक्स में कोई भी हम टर्म यूज करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, तो उसका बहुत छोटा वैल्यू भी हमें लेना पड़ता है और बहुत बड़ा वैल्यू भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो रेंज बहुत ही बड़ा है, बहुत छोटा वैल्यू भी है और बड़ा वैल्यू भी है। जैसे हम एटम की भी बात करते हैं और पूरे यूनिवर्स की भी बात करते हैं। ठीक है, तो एटम का साइज बहुत ही छोटा है और यूनिवर्स का साइज बहुत ही बड़ा है। तो फिजिक्स में हर टर्म का एक बहुत ही बड़ा वाइड रेंज है। ओके, एक उदाहरण भी देखिए। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास बोलते हैं, मास टर्म को देखें, तो इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं तो 9.1 × 10⁻³ है। तो यहां देखिए 10⁻³ है। ओके, और अगर हम यूनिवर्स और सन की मास की बात करते हैं कि सन का मास कितना है, तो इट इज 2 × 10⁻³० kg। तो यहाँ 10^30 बैठाना है और यहाँ 1/10⁻³ हो गया, तो 0 पॉइंट में आपको 31 डालने के बाद तब 9.1 डालना होगा। तो दिस वैल्यू इज वेरी मच लेस एंड दिस वैल्यू इज वेरी मच ग्रेट। ठीक है, तो फिजिक्स में हमेशा ऐसा आपको मिलेगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे तो उसका एक वाइड रेंज होगा। बहुत छोटा वैल्यू भी मिलेगा, बहुत बड़ा वैल्यू भी मिलेगा। तो इन्हीं को, छोटे और बड़े वैल्यू को यूज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्टेन प्रीफिक्सेज यूज करते हैं, कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो कुछ उस प्रीफिक्स को देखे जो कन्वेंशन में डिसाइड किया गया है साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग में। तो ऐसा यूनिट जब हम यूज किए तो उसी में इस प्रीफिक्स का भी डिसीजन हुआ। ठीक है, तो देखिए प्रीफिक्स हम लोग एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हम जान रहे हैं पहले से प्रीफिक्स, उसको देखते हैं। ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, आप किलो के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, किलो, तो किलो एक्चुअली क्या है? आप हमेशा बोलते हैं 1 kg में 1 kg लेते हैं तो इसमें 1000 ग्राम होता है, यू नो दैट। ओके, ये आप जान रहे हैं। या हम 1 किलोमीटर लें तो आप कहते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये भी आप जान रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ किलो क्या है? ये किलो, ग्राम तो रहने दीजिए, इधर भी ग्राम है, इधर भी ग्राम आ गया, इधर भी मीटर है, इधर भी मीटर आ गया। अब ये जो के है, के स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो के स्टैंड्स फॉर 1000। ये जो किलो है, ये किलो है, सो 1 किलो जो हम बोल रहे हैं ये एक्चुअली 1000 के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। यही प्रीफिक्स हो गया, हम ग्राम के पहले इसको फिक्स कर रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो 1 किलो, ये 10⁻³, 1000 लिखें या 10⁻³। ठीक है, 10⁻³ के लिए ये किलो आ रहा है। ठीक है, अब इधर जो भी यूनिट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्राम है तो 1000 ग्राम हो गया, मीटर है तो 1000 मीटर हो गया। किलो स्टैंड्स फॉर ओनली 1000, 1000 के लिए ये किलो स्टैंड कर रहा है। और इधर आपका यूनिट कुछ भी हो सकता है, हम किलो लीटर भी यूज कर सकते हैं। 1 किलोलीटर मीन्स व्हाट? तो 1000 लीटर को हम 1 किलोलीटर यूज करेंगे। इट मीन्स किलो स्टैंड्स फॉर 10⁻³। जहां भी 10⁻³ हो, मतलब 1000 हो, तो दैट स्टैंड्स और किलो, उसके लिए हम लोग किलो टर्म यूज करेंगे। ओके, तो यहां से हम प्रीफिक्स का मीनिंग समझ चुके हैं कि प्रीफिक्स का मतलब क्या है। तो किसी भी यूनिट, जैसे ग्राम है, मीटर है, सेकेंड है, किसी भी यूनिट के पहले फिक्स होने वाला प्रीफिक्स, पहले फिक्स होने वाला टर्म, और ये टर्म किसने वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा वही इस चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको एक बार ध्यान से देख लें।
सबसे पहले जो कॉमनली यूज हो रहा है पहले हम उसको देखें, ठीक है। तो ये आप मिली से किलो तक का आपको याद होगा, पहले से भी आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहां से ध्यान पहले देते हैं कि 10 टू द पावर माइनस 3 रहता है तो उसे हम लोग मिली बोलते हैं, 10 टू द पावर माइनस 2 होता है तब उसको सेंटी बोलते हैं, 10 टू द पावर माइनस 1 है तो वो मेरा डेसी है, 10 टू द पावर 1 है तो डेका है, 10 टू द पावर 2 है तो हेक्टो है, और 10 टू द पावर 3 है तो किलो है। और सबका एक एक सिंबल भी बना हुआ है, किलो के लिए के है, हेक्टो के लिए एच है, डेका के लिए डी ए है, डेसी के लिए डी है, सेंटी के लिए सी है, और मिली के लिए एम है। तो आपको याद होगा आप सेंटीमीटर लिखते हैं तो सी एम लिखते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर लिखते हैं तो मिली के लिए एम है और ये एम है, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हैं सेंटी स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेंटी स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। मिली स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो 10 टू द पावर माइनस 3। अगर हम 1 सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो सेंटी स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर माइनस 2, इट विल बी 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, सेंटी को बदल के माइनस 2 लगा दिए। 1 मिलीमीटर यूज कर रहे हैं तो मिली स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर माइनस 3, तो नाउ इट इज 10 टू द पावर माइनस 3, और यूनिट आपका रह जाएगा जस के तस, यूनिट में कोई चेंज नहीं करना है। हम जो प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं वो जितनी संख्या के लिए रिप्रेजेंट होता है उतनी संख्या को सिंपली डाल देना है, ओके। तो ये पहले से हम लोग सीखे हुए हैं मिली से लेके किलो तक। अब इसी में कुछ हायर वैल्यू के लिए भी और कुछ लोअर वैल्यू को ऐड किया गया है इस कन्वेंशन में, तो वो हम ध्यान में देखेंगे। तो पहले हायर वैल्यू को देखें, तो आप मिली से किलो तक आ चुके हैं, अब किलो से ऊपर बढ़िए। किलो से अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो ध्यान रखेंगे 10 टू द पावर 6 जहां यूज होगा तो दैट स्टैंड्स फॉर मेगा, 10 टू द पावर 6 के लिए मेगा वर्ड है और इसका सिंबल है एम लेटर, कैपिटल एम, ओके। 10 टू द पावर 9 के लिए हम लोग जीजा यूज करते हैं और जो लेटर है वो मेरा जी है। 10 टू द पावर 12 के लिए टेरा यूज करते हैं और ये कैपिटल लेटर टी है। 10 टू द पावर 15 के लिए पेटा यूज करते हैं और सिंबल है यहाँ पी, ओके। और 10 टू द पावर 18 के लिए एक्सा टर्म है और इसके लिए सिंबल है आपका ई, यहाँ ई है यहाँ पी है। तो ये हायर वैल्यू के लिए हो गया। हम लोग जूनियर क्लास में सिर्फ 10 टू द पावर 3 किलो तक यूज करते थे, अब मेगा, जीजा, टेरा, पेटा और एक्सा ये ग्रेटर वैल्यू के लिए हो गया। उसी तरह से हम लोग लोअर वैल्यू भी देख सकते हैं कि मिली से नीचे चलेंगे और छोटे वैल्यू पे जाएंगे तो क्या होगा। तो मिली से नीचे आएंगे तो देखिए क्या है, तो 10 टू द पावर माइनस 3 के लिए मिली था, यहाँ तक आप पहले भी सीखे हुए हैं। अब देखिए 10 टू द पावर अगर माइनस 6 यूज करते हैं तो इसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं और म्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 टू द पावर माइनस 9 है तो नैनो यूज करते हैं और एन लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 10 टू द पावर माइनस 12 के लिए पी को यूज करते हैं और ये लेटर स्मॉल पी है। 10 टू द पावर माइनस 15 के लिए फेमटो यूज करते हैं और लेटर एफ है। और 10 टू द पावर माइनस 18 के लिए एटो यूज करते हैं और लेटर ए है। तो ये कुछ स्मॉलर वैल्यूज के लिए प्रीफिक्स है आपका, ठीक है। तो इसका ध्यान हम रखेंगे, बार बार न्यूमेरिकल बनाने में ऐसा टर्म आएगा तो आप सारे प्रीफिक्स को याद कर लेंगे, ओके। चलिए अब इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स को देखते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो आप देखे थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था, उसका 7 फंडामेंटल हम यूनिट्स यूज करते थे। उसके अलावा भी कुछ ऐसा यूनिट है जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करेंगे, तो इसलिए नाम दिया गया सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, ओके। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ, तो पहले लेंथ का देखते हैं, फिर मास का भी देखेंगे और टाइम का भी देखेंगे। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ,
लेंथ का कुछ प्रैक्टिकल यूनिट, तो देखिए वन फर्मी पहला यूनिट, इसको वन एफएम लिखेंगे फर्मी, और ये वन फेमटोमीटर के बराबर होता है। फेमटो के लिए आप सीखे थे ये 10^-15 के लिए यूज होता है, तो वन फेमटोमीटर का है, इसी का नाम वन फर्मी भी है, और ये 10^-15 मीटर के लिए स्टैंड करता है। तो एक प्रैक्टिकल यूनिट हो गया वन फर्मी, ओके। दूसरा है वन एक्सरे यूनिट, तो इसको वन एक्स यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये स्टैंड कर रहा है 10^-13 मीटर के लिए, वन एक्सरे यूनिट, ओके। उसी तरह एक एंगेस्ट्रम है, एंगेस्ट्रम इसका सिंबल ए लिख के उसके ऊपर हम जीरो डालते हैं, ये पढ़ेंगे वन एंगेस्ट्रम, और ये 10^-10 मीटर के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। वन माइक्रोन, माइक्रोन एक्चुअली माइक्रोमीटर है, वन म्यू एम, माइक्रो आप जानते हैं 10^-6 के लिए आता है, माइक्रो का आप प्रीफिक्स देख सकते हैं, इट स्टैंड फॉर 10^-6, तो 10^-6 मीटर के लिए माइक्रो मीटर हम बोले या वन माइक्रोन बोले, ओके। तो यहां तक आप समझ गए। उसके बाद है वन लाइट ईयर, लाइट ईयर, तो लाइट ईयर देखने से लग रहा है कि ये टाइम का यूनिट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये टाइम का यूनिट नहीं है, बल्कि एक डिस्टेंस का यूनिट है, लेंथ मेजर करने का यूनिट है, और इसको हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर, एक साल में लाइट कितनी दूरी तय करता है। तो आप लाइट की वेलोसिटी जानते हैं 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है, इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड में 3×10^8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक सेकेंड में इतना ट्रेवल कर रहा है, आपको निकालना है कि एक साल में कितना ट्रेवल करेगा, तो आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितना आएगा। ये वैल्यू आएगा आपको 9.46×10^15 मीटर, तो वन लाइट ईयर इतना होगा। अब कैसे आएगा आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो देखिए एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल करता है 3×10^8 मीटर, तो 60 सेकेंड में कितना करेगा, एक सेकेंड में इतना, तो 60 सेकेंड में कितना, तो हम 60 से गुना कर देंगे, तो 60×3×10^8 मीटर, तो ये 60 सेकेंड में तय की गई दूरी निकल गई, और 60 सेकेंड होता है एक मिनट, इसका मतलब एक मिनट में निकल गया, एक मिनट में इतनी दूरी तय हुआ, तो आप 60 मिनट में आप निकाल लीजिए, तो 60 से फिर से गुना कर लीजिए, तो 60 मिनट में निकल जाएगा, तो 60×60×3×10^8 मीटर, ये 60 मिनट में निकला, 60 मिनट को हम एक घंटा कहेंगे, तो एक घंटे में आपने कितनी दूरी तय करेगा लाइट वो निकाल लिए हैं, तो आप 24 से गुना कर लीजिए, 24 घंटे में निकाल लीजिए, 24 से गुना कर लिए, तो हमें 24 घंटे में दूरी निकल गई, मतलब एक दिन में निकल गया। अब एक दिन में निकल गया तो अब 365 दिन में निकाल लीजिए, तो 365 दिन वन ईयर होगा, तो हमें 365 से फिर से गुना कर लेना होगा, तो एक साल में कितनी दूरी तय करेगा लाइट ये निकल जाएगा, और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.46×10^15 मीटर, ओके। तो एक लाइट ईयर भी समझ गए कि लाइट ईयर क्या है, तो ये डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है, ओके। अब हम कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट को देखते हैं। एक यूनिट है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, इसको हम लोग वन AU लिखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जब हम स्टार्स प्लैनेट्स की बात करेंगे तो वहां एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करेंगे, और ये कितने के बराबर है, तो 1.496×10^11 मीटर के बराबर है, और इसको डिफाइन करेंगे एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस बार बार चेंज होता है, चूंकि अर्थ है सो इलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करता रहता है, तो सन से कभी वो क्लोज होता है, सन से कभी वो दूर हो जाता है, तो डिस्टेंस बार बार चेंज होता रहता है, तो हम सारे डिस्टेंस का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और उस एवरेज वैल्यू को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो 1 AU का वैल्यू 1.496×10^11 मीटर
होगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। अब एक अगले प्रैक्टिकल यूनिट को देखते हैं, उसका नाम है वन पार्सेक, ठीक है। वन पार्सेक, अब इसे समझिए, पार्सेक किसे कहेंगे? तो वन पार्सेक का पूरा नाम होगा पैरालैक्टिक सेकंड, वन पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। इसको वन पार्सेक भी बोलेंगे और इसका वैल्यू है 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर। तो वन पार्सेक 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर के बराबर होगा। और पार्सेक को अब डिफाइन कैसे करेंगे, वन पार्सेक किस डिस्टेंस को कहेंगे? तो वन पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का जो ऑर्बिट है, मतलब अर्थ जो है, मान लीजिए अर्थ यहां हम बनाते हैं और इसका जो ऑर्बिट है, तो ये सन के चारों तरफ घूम रहा है, सन यहां बना लीजिए, तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है इसी रेडियस में ये घूम रहा है, ओके, इस रेडियस में घूम रहा है, तो ये हो गया एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। ये अर्थ का ऑर्बिट भी हो गया और इसको हम कहें कि अर्थ के ऑर्बिट का ये रेडियस भी हो गया। तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस भी है। तो पहले ये डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है। अब इस डिस्टेंस से हमको देखना है कितना दूर ऊपर चले, मान लीजिए इससे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, तो इससे हम कितना डिस्टेंस ऊपर जाएं कि ये जो डिस्टेंस है वो एक सेकेंड का ये एंगल बना है यहां पे। तो ये जो डिस्टेंस हम चले हैं ऊपर, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, तो इस डिस्टेंस का नाम हम लोग देंगे पार्सेक, ठीक है। तो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो जितनी दूरी पे वन सेकेंड का एंगल बनाए, ठीक है, तो उस डिस्टेंस का नाम हम लोग पार्सेक देंगे, ओके। तो आप समझ गए वन पार्सेक क्या है, तो 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर। अब एक और यूनिट देखते हैं कि हम लोग जो मीटर डिफाइन किए हैं एक्चुअली, तो आप जानते हैं लाइट का जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसका मतलब कि एक सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करेगा, इतना दूरी वो ट्रेवल करेगा एक सेकेंड में। तो एक्चुअली जो हम वैल्यू ले रहे हैं ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ है 2997924 इतना मीटर है एक सेकेंड, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए 3 × 10⁸ मीटर लेके काम कर लेते हैं। तो इतना मीटर ट्रेवल करता है एक सेकेंड में, ठीक है। तो हम मीटर को डिफाइन कर सकते हैं कि वन मीटर इज व्हाट, तो वन मीटर ट्रेवल करेगा कितने सेकेंड में, तो 1/ ये वैल्यू यहां डाल देंगे। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि वन मीटर उतना डिस्टेंस है जितना लाइट ट्रेवल करता है 1/2997924 सेकेंड में, ठीक है। तो एक सेकेंड के इतने हिस्से में लाइट जितनी दूरी ट्रेवल करता है उस दूरी का नाम हम लोग मीटर देते हैं, ओके। तो हम यहां से मीटर को डिफाइन भी कर सकते हैं। चलिए अब फिर आगे देखते हैं, ये हम लोग मास का अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देखते हैं। हम लोग लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट देख चुके हैं, अब मास का प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं। तो पहला जो यूनिट है उसका नाम है चंद्रशेखर यूनिट, ठीक है, 1CSU, चंद्रशेखर, सी से चंद्र, एस से शेखर और यूनिट, 1 चंद्रशेखर यूनिट। तो इसका डिफिनीशन है ये 1.4 टाइम्स होता है मास ऑफ द सन, सन के मास का 1.4 टाइम्स। तो मास ऑफ द सन क्या है, तो सन का मास है 2 × 10⁻³ kg
और इसका 1.4 टाइम्स है तो इसमें गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 2 2.8 तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी दैट इज कॉल्ड 1 चंद्रशेखर यूनिट। ओके तो 1 चंद्रशेखर यूनिट इट इज ए यूनिट ऑफ मास। ओके उसके बाद 1 क्विंटल, ये आप पहले से जान रहे होंगे, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। 1 टन बोले या 1 मेट्रिक टन बोले ये 1000 केजी के बराबर होता है। तो 1 टन में 1000 केजी, 1000 केजी का मतलब हुआ कि आप 10 क्विंटल यूज कर रहे हैं, तो इसको 10 क्विंटल भी बोल सकते हैं। तो ये दो यूनिट तो ऑलरेडी प्रैक्टिकल यूनिट है, हम लोग इसके बारे में जान भी रहे हैं। ठीक है, अब फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां हम एमयू टर्म यूज करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोटे छोटे मास को रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो वहां एमयू यूज करते हैं एक्चुअली, और एक एमयू ऑफ 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी के बराबर होता है। इसको 1 एमयू लिखें या 1 यू भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास। तो ये एक्चुअली क्या है, तो C12 कार्बन जो है जिसका एटॉमिक मास 12 हो, तो C12 आइसोटोप का हम एक एटम ले लें, उस एक एटम का मास निकाल लें और उस मास का 1/12 कर लें। ठीक है, तो C12 आइसोटोप के एक एटम के मास का जो 1/12 हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड 1 AMU, उसी का नाम 1 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम केजी में बदलेंगे तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होगा। इसको हम लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास भी बोलते हैं और यू लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ 1U हम लिख के भी दिखाए हैं। देखिए, अब इसके बाद हम कुछ और इसके बारे में जान रहे हैं कि जो हमारा केजी है, किलो जो यूज हम लोग करते हैं, उसका जो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप था स्टैंडर्ड किलोग्राम का, ये 1879 ईस्वी में जॉर्ज मैथ्यू या जॉनसन मैथ्यू नाम के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था एक सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है, नमूना, वो सिलेंडर 39 मिलीमीटर हाई था और 39 मिलीमीटर उसका डायमीटर था और इसमें 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम, इन दोनों को मिला के हम एलॉय बनाए थे। ठीक है, इसको हम लोग एक स्पेशल जार में रखे हुए हैं, बेल जार, जिसमें इसका 6 ऑफिशियल गोपी रखी हुई है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखे हुए हैं। तो ये इंटरनेशनल जो प्रोटोटाइप है, अब इसी का नमूना बना के हम लोग अलग अलग कंट्री में इसको यूज करते हैं। तो जो उसका प्रोटोटाइप था उसको 1879 ईस्वी में ही बनाया गया था। ठीक है, अब कुछ और इंटरेस्टिंग बात को देखते हैं। ये जो प्रोटोटाइप है ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से मास को गेन भी करता है। देखिए, द प्रोटोटाइप गेन्स एटम्स ड्यू टू एनवायरमेंट वियर एंड क्लीनिंग। ठीक है, एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 माइक्रोग्राम पर ईयर, 1 माइक्रोग्राम 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम होता है, तो एक साल में 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम इतना मास वो प्रोटोटाइप गेन कर लेता है, तो उसका मास चेंज होता रहता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए साइंटिस्ट लोग चाह रहे हैं कि हम मास को एक खास नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में डिफाइन करें। किलोग्राम जो प्लैटिनम इरिडियम का रॉड है उसको उस सिलेंडर के रूप में डिफाइन नहीं करके एक खास नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में डिफाइन करें। तो चूंकि खास नंबर ले लेंगे तो कभी वो चेंज नहीं होगा, फिक्स नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो सिलिकन इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट है। सिलिकन को हम देख सकते हैं, चूंकि सिंगल सिलिकन में
लार्ज सिंगल क्रिस्टल के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, लार्ज सिंगल क्रिस्टल के रूप में सिलिकॉन को डेवलप किया जा सकता है, तो एक खास नंबर ऑफ एटम्स को इकट्ठा करके हम एक केजी बना लें, इसकी पॉसिबिलिटी पे विचार किया जा रहा है। ओके, तो ये हो गया कुछ मास से रिलेटेड। अब कुछ समय का भी टाइम का भी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं। तो आप सबसे पहला यूनिट देखिए, क्या है पहला यूनिट, तो ऑलरेडी आप यूज करते हैं ईयर, ठीक है, साल यूज करते हैं, और साल को आप क्या बोलते हैं कि सन के चारों तरफ अर्थ को घूमने में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने में जितना समय लगता है उसी को आप वन ईयर बोलते हैं। तो वन ईयर 365.25 डेज के बराबर है, ये सब कोई जान रहे हैं। इसको हम सेकेंड में अगर बदलेंगे इस 365 डेज को, तो 3.156 × 10⁷ सेकेंड के ये बराबर होगा वन ईयर। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज करते हैं, लूनार मंथ। लूनार मंथ का मतलब हुआ कि आप जानते हैं अर्थ के चारों तरफ मून भी है, उसका चंद्रमा जो चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, तो मून अर्थ के चारों तरफ जो एक चक्कर लगाता है उसमें जितना समय लगता है उसको हम लोग लूनार मंथ बोलते हैं, और ये लूनार मंथ 27.3 डेज में कंप्लीट हो जाता है। मतलब 27 दिन में ही चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगा लेता है, तो दैट इज कॉल्ड लूनार मंथ। अब उसके बाद हम दो डे को डिफाइन करते हैं, एक सोलर डे और एक साइडरियल डे। ठीक है, तो सोलर डे क्या होता है, तो सोलर डे है कि इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा टाइम कितना लिया गया एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पे अबाउट द सन, सन के चारों तरफ अपने एक्सिस पे घूमने में जो टाइम लिया जाता है अर्थ के द्वारा, इसी का नाम हम लोग सोलर डे कहते हैं, और ये टाइम वैरी करता रहता है अलग अलग दिनों पे। ठीक है, तो हम इन सब का एवरेज वैल्यू लेते हैं और एवरेज वैल्यू निकालते हैं, इसलिए इसका नाम एवरेज सोलर डे भी हम लोग कहेंगे। तो एक सोलर डे 365.26 एवरेज सोलर डे के बराबर होगा, एक सोलर ईयर एक साल में 365.25 सोलर डे होगा, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन एक साल में 365 दिन होता है, तो ये जो दिन हम निकाल रहे हैं सोलर डे, ये सन के चारों तरफ के रोटेशन को देख रहे हैं, इसलिए नाम इसका सोलर डे पड़ा। तो अगर हम किसी दूसरे स्टार के अलोंग अगर हम अर्थ के रोटेशन को देखेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड साइड रियल डे। ओके, तो यहां भी हम अर्थ का रोटेशन देख रहे हैं अपने एक्सिस पे, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ए डिस्टेंट स्टार, किसी दूसरे स्टार के रेस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में नहीं, तो किसी दूसरे स्टार के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उसका नाम हम लोग साइड रियल डे देंगे। तो यहां पे देखेंगे ये 366.25 के बराबर होगा वन सोलर ईयर, तो इससे पता चला कि साइड रियल डे जो होता है ये छोटा होता है, कितने सोलर डे से छोटा होता है, 4 मिनट से। तो इस डाटा को याद रखेंगे, 4 मिनट से साइड रियल डे छोटा होता है सोलर डे से। अब एक और टाइम का यूनिट यूज करेंगे सेक, वन सेक जो होता है वो 10⁻¹ सेकेंड के बराबर होता है। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आपने आज लेंथ मास और टाइम सबके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स को देखा। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे इसी चैप्टर में अगले टॉपिक को। ओके, थैंक यू।